वाह वाह भाई, देखो ये रहा चश्मा। तो आपको अब पता लग ही गया होगा कि हाउ टू फुल योर फ्यूल टैंक इन जस्ट रुपीज 150। क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल डीडीआर इंडिया, और मैं हूं इमरान रसूल वंस अगेन आप लोगों के सबके सामने। भाई देखो, बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, और वीडियो में डालने के लिए सोचता हूं मगर यार डाल नहीं पाता, वो इसलिए बताऊंगा किस लिए। तो सबसे पहले तो मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार भाई वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। और धमाकेदार कैसी भाई, बहुत ही खतरनाक वाली धमाकेदार। देखो आज मैं हमारी टाइग्रेस के अंदर करवाऊंगा टैंक फुल, और बार बार फुल, बार बार भाई बहुत ही तगड़ा वाला बार बार करवाऊंगा। मतलब टैंक फुल के अंदर कितनी बार टैंक फुल होता है आज हम वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि भाई थोड़ी थोड़ी चलाने के बाद कितने कितने का पेट्रोल आता है, और पेट्रोल पंप पे जो वहाँ के एम्प्लॉय होंगे उनका क्या रिएक्शन होगा और किस तरीके से बोलेंगे। देखते हैं कि कोई टंकी भरी हुई देख के पेट्रोल पंप वाला हमसे ये बोलेगा कि भाई मैं और नहीं डालूंगा या डाल देगा। तो पहले वहाँ पे देखते हैं, मगर वहाँ पे चलने से पहले एक चीज़ मैं दिखा दूँ। देखो मेरा एक पार्सल आया है, और यार बहुत दिन बाद आया, अटक गया था बीच में, रियो रैबिट का एक चश्मा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके भाई को चश्मों से कितना लगाव है, चश्मे मेरे वहाँ भरे पड़े हुए हैं, और एक चश्मा और आया है, और दो चश्मे अभी मेरे जो है वो ऑन द लाइन है भाई, मतलब रास्ते में आने वाले हैं, उनसे पहले ये आ गया रियो रैबिट का। मैंने फाड़ के देख लिया था यार, रियो रैबिट का चश्मा भाई, इसकी आज अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं, मज़ा आ गया। चश्मा बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को पसंद है। देखो पेड प्रमोशन नहीं भाई, कभी सोचोगे पेड प्रमोशन है, पैसे मिले फ्री में मिले, फ्री में मिला, पैसों का मिला है भाई। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक बार, और फिर चलते हैं हम अपनी टाइग्रेस का वो रिव्यू वाला जो मैटर अभी आपको बताया था मैंने। तो भाई ये देखो, इसका एक कवर है, मैं देखो प्रोफेशनल खोलने वाला तो नहीं हूँ मतलब अनबॉक्सिंग करने वाला, नॉर्मल सा ही, इसलिए जल्दी जल्दी खोल खा के आपको दिखा रहा हूँ। भाई साहब चश्मा है अपना ये, ओहो भाई जैसा देखा था ना ऑनलाइन भाई वैसा ही है कसम से, ओहो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। वाह वाह भाई देखो, ये रहा चश्मा। तुम्हारा भाई कैसा लग रहा, भाई कैसा लग रहा तुम्हारा भाई, कमेंट करके बताओ, भर दो कमेंट सेक्शन, चश्मा कैसा लग रहा है। और अब मिलते हैं सीधा भाई कहाँ पे, भूसा पे, और टैंक फुल कराते हैं नए चश्मे के साथ। तो चलो यार चलते हैं अपनी भूसा पे। भाई देखो ना यार, अरे मज़ा आ गया भाई, अभी दो चश्मे और ऑनलाइन है, वो भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा फटाफट, ठीक है। तो चलो चलते हैं यार। भाई पहला पेट्रोल पंप आ गया है, आ गया पहला पेट्रोल पंप। तो अब पहले पेट्रोल पंप, ये रहा हमारा पहला टारगेट, और पहले टारगेट में तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा पेट्रोल, बाकी देखते हैं कितना आता है, क्योंकि फुल से थोड़ी सी नीचे है फुल से। तो अभी भैया देख लेंगे हम कितना आएगा, चाचा यहाँ बुला रहे हैं और तुम यहाँ बुला रहे हो, हम तो यहीं लगाएंगे। चलो भाई बंद कर दो इंजन, और टंकी कर दो खोल के एकदम एयर फ्री, और भाई साहब से बोल देंगे कि भाई कर दो फुल, लड़की घर गई चुल, टैंक कर दो फुल। हाँ जी साहब, लड़की घर गई चुल, टैंक कर दो फुल। चलो भाई लड़की ने कर दी चुल, टैंक हो गया फुल। है जी क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? अरे यार थैंक यू सो मच मेरे भाई। और सुनाओ यहीं जॉब करते हो क्या? अरे वाह यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई लड़की ने कर दी चुल, और टैंक हो गया हमारा फुल,
तो भाई ये हमारा पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट हम देखेंगे आस पास। मेहरबान कदर नान। तो भाई टाइग्रेस ने भी कर दी चुल, टाइग्रेस का हो गया पेट फुल, तो इसलिए अब भाग रही है एकदम चुल। अरे वाह भाई, पेट फुल होते ही देख रहे हो कैसे भाग रही है टाइग्रेस। That's why I love my tigress. Yes. Tigress को ऐसी थोड़ी यार, मैं इतना प्यार करता हूँ, बहुत प्यारी मशीन है मेरी, बहुत प्यारी भाई। बचपन का सपना जो है टाइग्रेस, इसलिए इसका नाम मैंने टाइग्रेस रखा, क्योंकि टाइगर की तरह भागती है। पिछली वाली अपनी जो थी कावासाकी Z800 वो थी शेरनी, मगर टाइग्रेस तो टाइग्रेस है यार। तो अब अगला टारगेट देखेंगे चल के कौन सा है आसपास, वहाँ पे जाके बोलेंगे कर दो चुल, लड़की कर गई चुल और टैंक कर दो फुल। भाई साहब हमें दूसरा टारगेट मिल गया, वो भी कहाँ, थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही। इसका मतलब इसमें से ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी अच्छी बात है। ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ तो पहले यार पूछ ले रहे हैं, इसके पास पावर है नहीं। अरे पावर है क्या इधर पीछे भाई? यहाँ तो पहले ही लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, तो लड़की से क्या बोलेंगे, लड़की कर गई चुल भाई, कभी बुरा ना मान जाए। तो इसलिए इनसे हमें बोलना पड़ेगा भाई बाइक कर गई चुल, टंकी कर दो फुल क्योंकि कभी बुरा मान गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ सारी लड़कियाँ भाई पेट्रोल डाल रही हैं जो, तो अब मतलब थोड़ा थोड़ा लाइन लगी हुई है। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके की मतलब रिएक्शन इनका होगा, कि कितने में फुल होगा। वहाँ लास्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम वाले जो पेट्रोल पंप है उस पे तो करीब 910 रुपए का पेट्रोल आया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने का पेट्रोल आया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी टंकी फुल है। वो देखो आप, ये अगर दिख रही होगी तो टंकी बिल्कुल फुल है, और ये खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार। ये भी देख लो, ये टंकी में ऊपर तक आ रहा पेट्रोल। अब देखते हैं यहाँ पर आने के बाद नंबर हमारा जो आएगा कितने की फुल होगी, मगर इनसे ये नहीं बोल सकते कि लड़की कर गई चुल, टंकी कर दो फुल दिक्कत हो जाएगी भाई, वरना कभी हमारी टंकी फुल करवा दे। भाई अपना नंबर आने वाला है, अपना नंबर आने वाला है। अब देखते हैं भाई, कभी पता चल रहा है ऊपर तक भरा हुआ देख के मना ही कर दे। मना तो नहीं करने वाली भैया मैडम। ओहो ओहो बड़ी भारी यार, इसमें यही दिक्कत है कि आगे पीछे करने में दिक्कत हो जाती है। हेलो मैडम जी, कैसे हो? बाइक ने कर दी चुल, टंकी कर दो फुल, जितने का भी आ जाए। हाँ जी, बस 20 का ही कर दो पूरा, 20 रुपए का अगर आ जाए तो बस हो गए 20, 22 हो गए, बस ठीक है। लो जी मैडम जी, नहीं नहीं रहने दो, चेंज मत दो, 22 रुपए मतलब टंकी फुल। चलो थैंक यू मैडम। मैं तो डर रहा था, मैंने कभी आप मना ना कर दो फुल है टंकी, भाग यहाँ से भाई 22 रुपए का पेट्रोल आया हमारी बाइक में दोबारा में, दूसरे अटेम्प्ट में। अब भाई थोड़ी सी चलाएंगे, 22 रुपए में फुल हो गई भाई साहब। हायाबुसा की टंकी 22 रुपए में, मतलब वहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी डलवाया था, वाह, वहाँ से यहाँ तक 22 रुपए में टंकी फुल हो गई, मतलब 22 रुपए का पेट्रोल यहाँ तक खा गई थी। और मुश्किल से मैं कितना चल के आया था, मुश्किल से आया हूँगा 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर भी नहीं, डेढ़ किलोमीटर में चल के आया हूँगा। और 1.5 किलोमीटर के अंदर
अब थोड़ी सी चलाने के बाद फिर देखेंगे कि कितने का आएगा। ये तो दूसरा पेट्रोल पंप था और कम से कम 3-4 पेट्रोल पंप पे भरवाएंगे हम, 3-4 बार टंकी फुल करवाएंगे कम से कम। बिल्कुल फुल है मेरा टैंक, बिल्कुल फुल है। अब बाकी चल के देखते हैं ज़रा ये वाले भैया क्या बोलते हैं टैंक फुल पर। तो अभी टैंक फुल कराते हैं और भाई से पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है, देखते हैं भाई क्या बोलेगा। वैसे देखते हैं कितना आएगा। देख लेते हैं ना, फुल है बिल्कुल, गले तक भर दो, गले तक भर दो। फुल टैंक में भी 250 रुपए का पेट्रोल आ गया। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चलाई भी है मैंने यार, घूम भी रहा हूँ इधर उधर, तो पेट्रोल तो वेस्ट हो ही रहा है। मगर हाँ ये है कि फुल हो रही है, ठीक ठीक फुल में फुल हो रही है टंकी, और इसी बहाने जो है वो टैंक ज़रा सा भी खाली नहीं हो रहा है। तो भाई घूमते घूमते हो गई ये रात और आ गया हमारा थे कि इसमें कितने का पेट्रोल आता है। मैंने काफ़ी चला लिए, अब काफ़ी चलाने के बाद देखते हैं इसमें कि कितने का पेट्रोल आता है। अभी अंकल जी से बात करते हैं और बोलते हैं कि अंकल जी लड़की कर गई चुल और टैंक कर दो फुल। हाँ जी साहब। हाँ चाचा ठीक हो, हमें स्पीड की आदत है। हाँ बहुत बढ़िया आदमी हो अंकल जी। तो भाई अब की आया 150 रुपए का, मतलब 150 रुपए में टैंक फुल हो गया। तो आपको अब पता लग ही गया होगा कि हाउ टू फुल योर फ्यूल टैंक इन जस्ट ₹150। तो भाई 150 रुपए में कैसे अपना टैंक फुल कराए ये देख लो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाइक पे ही चलते चलते हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मतलब मैं और टाइग्रेस, इसलिए हम लोग हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं। और आप जिसने मेरे भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो यार, तो भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट अपडेट के लिए। अभी मैं जहाँ गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ हम रुके थे, कौन कौन मेरे साथ था, ये सारी अपडेट जो है वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के थ्रू। अपने गोयल साहब ने साथ थे और एक शिक्षार वाले भाई ऋषभ भाई हमारे हैं वो हमारे साथ थे, और हमारे जगजीत पाजी भी हमारे साथ थे, Z900 चलाते हैं वो। निंजा 6R भी आज हमारे साथ थी, ओहो मज़ा आ गया था भाई सच में। आज शॉर्ट राइड थी, मगर हर राइड पे वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, मतलब हर एक छोटे मीटअप पे या एक पर्सनल जो टाइम होता है उस टाइम को भी मैं वीडियो में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी कम वीडियो बना पाता हूँ और कम वीडियो डाल पाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं छोटी छोटी बात पे कैमरा नहीं ऑन करता, तो मतलब जो मुझे लगता है कि कैमरा ऑन होना चाहिए, वीडियो इस पर बननी चाहिए, बस उसी पे बनाता हूँ और कोई फालतू कोई बकवास नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे आप बता दो, कमेंट करके मुझे बता दो वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको दबा के, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी घर जाने का हो गया टाइम, तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते बाय बाय आदाब सत श्री अकाल डीडीआर ब्रोज मेरे डीडीआर ब्रो बाय बाय।